हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूं और उससे हजारों सेंटेंस आप बना सकते हैं। अगर आप सचमुच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस वे में आप इस तरह से अगर प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश की, तो आपको इंग्लिश बोलना ज़रूर आ जाएगा। फ्रेंड्स, जो मैं बोलता हूँ कि इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बताया, एक सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला बताया कि ये फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के आधार पर आप हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। तो उससे आप बनाओ, प्रैक्टिस करो खुद बोल के, जैसे मैं बोल बोल के आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द यूज ऑफ गोइंग टू, अबाउट टू एंड टू। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पिछली क्लास में दिए गए आंसर को देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा पिछली क्लास में जो मैंने दिया था क्वेश्चन सेंटेंसेज, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये। अगर आपने बनाया है तो आप इसको मैच कर लो और जहाँ पर भी गलतियाँ हैं वहाँ सुधार लो। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, गोइंग टू, अबाउट टू और टू क्या है? काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि देखो, दो तरीके के सेंटेंस है। वह बाइक खरीदने वाला है, वह नदी में कूदने को है। यहाँ पर को है आ रहा है, यहाँ पर ने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्या रहता है कि दोनों को हम एक ही तरीके से बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन अगर ग्रामेटिकली चले कि सेंस के आधार पर, तो इसका थोड़ा अलग हो जाएगा और इसका थोड़ा अलग हो जाएगा। क्यों? मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि वह बाइक खरीदने वाला है। खरीदने वाला है मतलब वो तैयारी में है, पूरे तैयार है, वो बाइक खरीदने वाला है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि वो बाइक खरीदने को है, तो मतलब बिल्कुल उसमें अब थोड़ा भी टाइमिंग नहीं है, वो खरीदने को ही है। मतलब दुकान में घुस गया है, पैसे हाथ में ले लिया है उसने, चेक या पैसे देने वाला है। मीन्स वहाँ पर जब ज़्यादा टाइम ना हो, बिल्कुल काम करने को तैयार हो, तत्पर हो कि अब कर ही देने वाला है, तो उसमें को है बोलते हैं। जैसे वो खाने को है, मतलब खाने को मतलब खाने पे बैठ गया है और थाली सामने में रखा है, अब खाना शुरू करने ही वाला है, मतलब खाने को है। तो ये थोड़ा सा माइनर फर्क हो जाता है, बट अगर आप लैंग्वेज में बोलते हैं दोनों को एक ही तरीके से, तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे बनाते हैं इसको। वह बाइक खरीदने वाला है, ने वाला है, मीन्स ऐसे सेंटेंसेस में लास्ट में ने वाला है, नी वाली है, ने वाले हैं, इस तरह से आएगा। ने वाला है, ने वाली है, ने वाले हैं, ने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, या अगर इस तरह से आता है तो ने को है, सिर्फ ने को है। ओके फ्रेंड्स, जैसे वह बाइक खरीदने वाला है तो ही इज अबाउट टू बाई बाइक। ओके फ्रेंड्स, आप लैंग्वेज में स्पोकन इंग्लिश में अगर आप ऐसे बोलते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सोचेंगे कि इसमें क्या लगेगा, इसमें क्या लगेगा, दोनों को एक ही तरीके से हम बोल सकते हैं, सब चलता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ओके फ्रेंड्स, कोई कोई बोलता है कि अरे नहीं, अबाउट टू तब लगाते हैं जब ऐसा आएगा कि वह बाइक खरीदने ही वाला है, खरीदने वाला है, खरीदने ही वाला है, खरीदने को है, क्या फ़र्क पड़ता है? बोलचाल में सब चलता है, हम लैंग्वेज भाषा क्यों बोलते हैं? एक दूसरे के विचारों को समझने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही इज़ अबाउट टू बाई बाइक, अगर हम इसको दूसरे तरीके से बोलना चाहें तो ही इज़ गोइंग टू बाई बाइक। ओके फ्रेंड्स, ही इज़ अबाउट टू बाई बाइक, ही इज़ गोइंग टू बाई बाइक। अब इसको कैसे बनाएंगे? वह नदी में कूदने को है, तो ही इज़ टू जंप इन टू द रिवर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ये मत समझें कि टू दोबारा लगाएंगे, यहाँ पर टू इन टू इसलिए लगाएं क्योंकि वो जंप कूदने वाला है, गति के साथ नदी में घुसने वाला है, इसलिए यहाँ पर इन टू लगता है। ओके फ्रेंड्स, तो ही इज़ टू जंप इन टू द रिवर। अगर इस सेंटेंस को आप ऐसे बोल रहे हैं कि ही इज़ गोइंग टू जंप इन टू द रिवर या ही इज़ अबाउट टू जंप इन टू द रिवर, तो भी गलत नहीं समझा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अर्थ वही होता है, माइनर फर्क होता है बस। जैसे कूदने को है तो मैं एकदम तैयार हूँ कूदने को, एकदम बस यहाँ से उछला कि कूद गया, और कूदने वाला है मतलब मैंने बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ कूदने के लिए, तो वो कूदने वाला है। माइनर फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है, बट बोल चाल में स्पोकन इंग्लिश में आप दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलो हम प्रैक्टिस करते हैं। मैंने आपको अभी एक स्ट्रक्चर बता दिया। ओके,
एक स्ट्रक्चर बताया मैंने आपको, और एक स्ट्रक्चर से आप हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, आप रोज़ एक स्ट्रक्चर के साथ सीखिए इंग्लिश। एक ही स्ट्रक्चर लीजिए, एक स्ट्रक्चर के साथ आप इंग्लिश सीखिए। जैसे कि मैं बताता हूँ, एक स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कि ने वाला है, नी वाली है, ने वाले हैं, ने वाला हूँ, इस तरह का सेंटेंस है, या ने को है, तो उसको हम अबाउट टू, गोइंग टू लगा कर बनाते हैं, या टू लगा कर बनाते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब इससे संबंधित बहुत सारे सेंटेंस बोलिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, यूज़ कीजिए। एक दिन भी आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छी तरह से, फिर दूसरे दिन अपने आप ये अपने आपके मुँह से निकलेगा, आपके ज़बान से निकलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस। हम लोग खेलने वाले हैं, वी आर गोइंग टू प्ले, या वी आर अबाउट टू प्ले, या आप यू आर टू प्ले भी बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वे लोग आने वाले हैं, दे आर अबाउट टू कम, या दे आर टू कम। वह दरवाज़ा खोलने को है, ही इज़ टू ओपन द डोर, या ही इज़ अबाउट टू ओपन द डोर। वे लोग मुझे फिल्म दिखाने वाले हैं, दे आर गोइंग टू शो मी मूवी। तुम आज मेरे घर आने वाले हो, यू आर अबाउट टू कम टू माई हाउस टूडे, यू आर गोइंग टू कम टू माई हाउस टूडे। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि यू आर कमिंग टू माई हाउस टूडे। ओके फ्रेंड्स, चलता है। वह कुर्सी बनाने वाला है, ही इज अबाउट टू मेक चेयर, या ही इज गोइंग टू मेक चेयर, या ही इज टू मेक चेयर। वे लोग नदी में नहाने वाले हैं, दे आर गोइंग टू टेक बाथ इन द रिवर। मैं तुमसे कुछ कहने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू से टू यू समथिंग। वह मुझे अपना घर दिखाने वाला है, ही इज गोइंग टू शो मी हिज हाउस, या ही इज अबाउट टू शो मी हिज हाउस। ओके फ्रेंड्स, इसका अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो बहुत ईजी है। जैसा कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि किसी भी सेंटेंस का अगर नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, यानी कि ही इज़ नॉट अबाउट टू बाई बाइक, ही इज़ नॉट गोइंग टू बाई बाइक। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। क्या वह बाइक खरीदने वाला है, इज़ ही अबाउट टू बाई बाइक, या इज़ ही गोइंग टू बाई बाइक। ओके फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन वर्ड रहेगा, जैसे वह बाइक कब खरीदने वाला है, तो व्हेन इज़ ही गोइंग टू बाई बाइक, या व्हेन इज़ ही अबाउट टू बाई बाइक। ओके फ्रेंड्स, तुम क्या करने वाले हो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, या व्हाट आर यू अबाउट टू डू। वे लोग क्या बेचने वाले हैं, व्हाट आर दे गोइंग टू सेल, या व्हाट आर दे अबाउट टू सेल। क्या तुम वहाँ जाने वाले हो, आर यू अबाउट टू गो देयर, आर यू टू गो देयर, या आर यू गोइंग देयर भी हम बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आजकल इनफॉर्मली लोग दे आर गोइंग टू गो भी बोल सकते हैं, बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, बोल सकते हैं आप, दे आर गोइंग टू गो देयर, ही इज़ गोइंग टू गो मुंबई। ओके फ्रेंड्स, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, मैं कल मुंबई जाने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, या आई एम अबाउट टू गो टू मुंबई टुमारो, या आई एम टू गो टू मुंबई टुमारो। तुम कहाँ ठहरने वाले हो, वेयर आर यू गोइंग टू स्टे, वेयर आर यू अबाउट टू स्टे। वह क्या दिखाने वाला है, व्हाट इज़ ही अबाउट टू शो, या व्हाट इज़ ही गोइंग टू शो। तुम कहाँ बैठने वाले हो, वेयर आर यू गोइंग टू सिट, वेयर आर यू अबाउट टू सिट। क्या वे लोग आज खेलने वाले हैं, आर दे गोइंग टू प्ले टूडे, या आर दे अबाउट टू प्ले टूडे। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी प्रैक्टिस कीजिए, एक स्ट्रक्चर के साथ आप हज़ारों सेंटेंस आप बना सकते हैं, और इसी तरह से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही आसान वे है, बहुत ही अच्छा वे है आपके लिए, ये सबके लिए जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना सीखना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए सेंटेंस, क्रिएट कीजिए और इंग्लिश सीखिए। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए,
कमेंट भी किया कीजिए। और अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी अभी आप आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आप तक पहुंचता रहे और आप इंग्लिश सीखते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये रहा आज के लिए होमवर्क, ये रहे सेंटेंसेस, आप इनको अच्छी तरह से समझ कर बना लीजिएगा और इसका जो आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं उससे आप मैच भी कर लेना। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।